सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी भर्ती आचार संहिता से पहले, मतलब 20 सितंबर से पहले पूरी हो, भर्ती निकले, नियमावली बन गई है, 11-12 दिन हो गए नियमावली को। 3 साल से गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारी नियमावली बनेगी तब भर्ती आएगी, और हमारी नियमावली बन गई है, 11 दिन हो गए हैं, फिर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। सरकार के कान बिल्कुल बहरे हो गए हैं, मंत्री सुनने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री से बार बार मिल गए संघर्ष समिति वाले, फिर भी भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं हुई। अधिकारी कहते हैं सोमवार को आना, मंगलवार को आना, जैसे कोर्ट में हमारी पेशियां पड़ती है वैसे हम सचिवालय जाते हैं, सचिवालय से ये कहा जाता है कि मंगलवार को आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, वित्त विभाग फाइल गई है। पहले कहते हैं वित्त विभाग से 3 महीने हो गए, 11-12 दिन तो हमारी नियमावली जारी हुई हो गई, मंत्री जी का भी ध्यान नहीं है, सरकार का भी ध्यान नहीं है, और हमारी डिग्रियां 5 साल में खत्म हो जाएगी, फिर भी सरकार ये सोच रही है कि अभी थोड़े दिन और टाल दे, अभी आचार संहिता लग जाएगी। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से यहाँ आए हुए, हर विधानसभा क्षेत्र का एक है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारी विज्ञप्ति जारी नहीं होती है तो हम हर विधानसभा क्षेत्र में अपनी वोट की ताकत से वोट की चोट मारेंगे, जिससे कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं ITI अनुदेशी की भर्ती के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे ITI कॉलेज, सरकारी कॉलेज के अंदर लगभग 90% पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार इस डिपार्टमेंट की तरह बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। 90% पदों पर गेस्ट फैकल्टी के थ्रू काम चला रखा है, स्थाई भर्ती की तरफ सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। 3 साल में लेकर तो अब हमारी नियमावली बनके जारी हुई है, अब हम चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले हमारी भर्ती आ जाए, भर्ती आकर कम से कम फॉर्म भर दिया जाए, उससे हम संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ कम से कम हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। बाकी हम 3 साल से, लगभग 2019 की घोषणा अशोक चांदना जी ने की थी कि हम कनिष्ठ अनुदेशी की भर्ती करेंगे, लेकिन 19 की बजट घोषणा भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम उसी 19 की घोषणा को लेकर इस भर्ती के पीछे भाग रहे हैं। 5-5 साल हो गए हम लोगों को भर्ती के लिए तैयारी करते हुए। हम लोगों के लिए जो डिग्री होती है उसकी मान्यता भी 5 साल ही होती है, कई लोगों की तो वो मान्यता भी पूरी होने में आ रही है, तो हमारा भविष्य अंधकार में है। सरकार से निवेदन है, मंत्री जी से निवेदन है, अशोक गहलोत जी से निवेदन है कि आचार संहिता से पहले हमारी भर्ती को विज्ञप्ति जारी करें, ताकि परीक्षा तिथि तो जारी हो जाएगी, विज्ञप्ति जारी हो जाए। हमारी मेन मांग है कि विज्ञप्ति जारी हो जाए तो हम संतुष्ट हो जाएंगे और बेरोजगारों को राहत मिलेगी।